हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, बहुत सी बीमारियों में उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका साइंटिफिक नेम बिथानिया सोमनीफेरा है। और दोस्तों, इसे अश्वगंधा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अश्व मने घोड़ा हॉर्स एंड गंधा मने गंध स्मेल। जब आप इस पौधे की जड़ और पत्तों को सूंघेंगे तो आपको उसमें घोड़े जैसी स्मेल आएगी, इसीलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। इसे असंध भी कहते हैं। इसके अलावा इसको और भी बहुत से नामों से बुलाया जाता है, बट कॉमनली मोस्ट पॉपुलर नेम जो है वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा के नाम से लगभग सभी लोग इसे जानते हैं और ये इजीली अवेलेबल है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं अपने नियर मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये आपको पाउडर एंड कैप्सूल दोनों फॉर्म में मिल जाएगा। पाउडर फॉर्म में हो सकता है आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे या आप इसको खा ना पाएँ, तो आप इसे कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं। और इसकी तहसीर जो है वो गर्म है दोस्तों, और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है और स्पर्म की क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन और बॉडी बिल्डर और जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एंजाइटी और स्ट्रेस से भी बचाने में हेल्प करता है। ये कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। दोस्तों, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि अगर इसका हमारे ब्लड में लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी में फैट को ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और स्ट्रेस भी इससे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये उसके लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये थायराइड में भी यूज़ होता है और ये ब्रेन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है। एंड दोस्तों, इसके अलावा इसके और भी बहुत से बेनिफिट हैं। ये कैंसर से भी क्योर करने में हेल्प करता है क्योंकि इसमें एक बायो एक्टिव नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी तरह के कैंसर से बचाने में। ये दोस्तों हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, बट आपको इसको अगर लो बीपी है तो उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। उन पेशेंट को भी नहीं लेना चाहिए जिनका बीपी लो रहता है। और दोस्तों, इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। एंड दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी की मेडिसिन कंटिन्यू खा रहे हैं काफ़ी टाइम से, या कोई प्रॉब्लम है आपको उसकी मेडिसिन चल रही है, तो उस कंडीशन में आपको ये डॉक्टर की सजेशन के बिना नहीं लेना चाहिए। सो दोस्तों, ये थे अश्वगंधा के बेनिफिट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।